जाऊंगा। मंजिलें मिली जाती है, मंजिलें मिली जाती है, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आज इस प्रोग्राम के लिए आप जो लोग आए हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ कि हम ये जो प्रोग्राम की जो नींव रखी गई थी ये काफ़ी दो तीन दिनों से चल रही थी। हमें उम्मीद थी काफ़ी लोग आएंगे और आप उनमें से छाट कर यहाँ पर आए गए हैं और मैं आप मेरे सामने एक भावी ऑफिसर्स को यहाँ पर देख रहा हूँ, ऐसी उम्मीद करके मैं आगे बढ़ता हूँ। सर ने मेरा इंट्रोडक्शन कर ही दिया था, मैं अभी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर यानी लेबर कमिश्नर के तौर पर काम कर रहा हूँ। 3 जिले हैं मेरे पास, नांदेड़, परभनी, हिंगोली, और एडिशनल 3 जिलों का चार्ज यानी टोटल मेरे पास 6 जिले हैं। तो बात ऐसी है कि जब भी मैं अभी 3 साल पहले मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, जब भी मैं कलेक्टर ऑफिस, उनके 6 जिलों के 6 कलेक्टर साहब होते हैं, 6 SP साहब होते हैं, कलेक्टर के साथ उसके साथ पॉलिटिशियंस लोग, उनके भी कॉन्टैक्ट में आता हूँ, कई दफ़ा मैं मीटिंग्स में जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि अरे तू आ गया, तेरा साहब किधर है? तो मेरे स्टेनो वगैरह जो सिपाही होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं साहब, यही तो यही साहब है और अभी अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। तो हमारा एक देखने का एंगल होता है कि एक कमिश्नर होगा, मुझे होंगी, एक 40-45 का उम्र का इंसान होगा, उसके बाल गए होंगे। तो मैं कहने की ज़रूरत इस चीज़ की ये आज इसलिए है कि ये जो चीज़ है जो एक जीरो को एक हीरो बना देता है वो एग्जाम्स है। एक 3-4 साल पहले मैं भी आपकी तरह ऐसे ही बैठता था, ऐसे ही प्रोग्राम्स अरेंज होते थे, मैं भी आपके जैसा एक स्टूडेंट बोल के उधर बैठता था, यहाँ पे तकरीरान आते थे, अपनी बात रखते थे। और उस जमाने में मैं भी ये सोचता था कि आज ये लोग उधर बैठे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं स्टेज पे रहूँगा, मैं लेक्चर दूंगा और मेरी बातें और बच्चे सुनेंगे। मुझे याद है कि शाह फैसल एक IAS है कश्मीर के, जो कि फरद कैफे जो है अपना, एक उनका पुणे में एक प्रोग्राम था और वो औरंगाबाद के लिए जा रहे थे, उनका एक शॉर्ट प्रोग्राम फरद कैफे में रखा गया था। और वो प्रोग्राम में सर यहाँ पे खड़े हुए थे, मैं ऐसा स्टूडेंट था आपके जैसे, कुछ चंद कुछ बच्चे थे, यहाँ तो बहुत तादाद थी, वहाँ पे हम 4-5 बच्चे ऐसे नोट बुकिंग लेके बैठे थे और सर ने ऐसे ही कुछ इंट्रोडक्शन मोटिवेशनल बातें कही। और मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि आज सर वहाँ बैठे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उस जगह रहूंगा और मैं स्पीच दूंगा, और आज वो दिन आ गया। तो ये चीज हमारे पास आती कैसी है? आज मैं बना हूँ, मेरा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ, मैं 12th तक साइंस का स्टूडेंट था। फर्स्ट ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे, मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया कि अब मुझे एक ऑफिसर बनने के लिए बनना है, तो मैंने आर्ट्स के लिए एडमिशन लिया। फेलियर्स मुझे भी आए थे, हर एक इंसान को फेलियर्स आते ही रहते हैं, पर क्या वो अलग चीज़ है? एक ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो एक ऑफिसर को एक आम आदमी से अलग बनाती है? कई बच्चे, जैसे सर ने भी कहा मुझे और सामने, कि कई बच्चे रहते हैं जो इस एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, पर ऐसी क्या चीज़ है जो एक अलग चीज़ ऑफिसर को बनाती है? तो मैं वो कहूँगा कि वो अलग चीज़ है हार्डवर्किंग और मोटिवेशन। और दुनिया में मैं कहूँगा कि मोटिवेशन हम जब बाहर देखते हैं, हम काफ़ी सीनियर्स इस प्रोग्राम के जरिए, एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है, हमारा ये मकसद है कि इस प्रोग्राम में अगर एक भी बच्चा, एक भी यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठा है उसके अगर एक के भी दिल में ये चीज़ आ जाए कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के वो अगर चीज़ लेके जाए कि नहीं मुझे भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मुझे भी पढ़ना है और ये मैं कर सकता हूँ, अगर आप बैठे हुए में से किसी एक के दिल में भी ये सोच आ जाए तो मुझे लगता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो जाएगा। तो मोटिवेशन के तौर पर मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि मोटिवेशन हमें बहुत सी चीज़ देती है, ये पोस्ट है, हमारी सैलरी होती है, अलग अलग रुतबे होते हैं। मुझे याद है कि जब मैं इस एग्जाम में पास हुआ गया था तो मेरे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे सिटी में, आप में से कई लोग मुझे पहचानते भी होंगे, फेसबुक पे हम लोग मिलते हैं। तो ये जो मोटिवेशन की चीज़ है ये तो आपको मिलेगी, ये पर्क्स होती है, फैसिलिटीज होती है, इकोनॉमिक कंडीशन होती है, ये चीज़ सब बेशक आपको मोटिवेशन करेंगी, बट आपको जो हमेशा के लिए मोटिवेट करने वाली जो चीज़ है वो है आपकी मौजूदा हालात। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि नहीं आज मेरे जो हालात है ये हालात से मुझे बाहर निकलना है, इस हालात से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, तो वही चीज़ है जो आपको कॉन्स्टेंट मोटिवेशन करती रहेगी। और मुझे तो ये लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो बस 2 मिनट के लिए अपने आँखें बंद करिए, अपने माँ बाप का चेहरा आपके आँखों में लाइए और उनके स्ट्रगल्स, उनकी जो कोशिशें आपके लिए है, जो बचपन से आपके लिए क्या क्या किया है वो आप बस याद करिए। दुनिया में इससे बड़ा मोटिवेशन दूसरा कोई नहीं है।
ये जो हार्ड वर्क का मैं बार बार कह रहा हूँ, तो संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा। एक शेर है कि जब तक सफल ना हो चैन की नींद त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो चैन की नींद त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बस आपको कोशिश करती रहनी है, आज नहीं तो कल आपको करना है, बस आपको डिसाइड करना है। मुझे एक ईगल जो हमें सबको पता है, बास जिसे हम कहते हैं, उस बास का मैं छोटा सा किस्सा कहूंगा आपको, छोटी सी कहानी कहूंगा। क्या हम सबको पता है कि जब बहुत ज्यादा बारिश आती है, उसकी सोच देखिए उस बास की, जब बारिश आती है तो और चरिंदे परिंदे जो है, बर्ड जो होती है, वो अपने अपने घोंसलों में छुप जाती है बारिश से बचाव के लिए। बट जो बाज होता है वो बादलों के ऊपर जाता है बारिश से बचने के लिए। ये जो उसकी पहचान है, ये सोच है। इसी बाज की उम्र जो है उमूमन 70 साल की उम्र होती है। और बात यह है कि उम्र के 40 साल के दौरान उस बाज की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है, एक ऐसा वक्त आता है जब उसकी जो चोंच है, वो जो सॉफ्ट चोंच होती है, वो चोंच जो कड़क होती है जिससे वो शिकार करता है, वो सॉफ्ट हो जाती है, वो बेंड हो जाती है। उसके जो पंजे है जिससे वो झपटता है, पंजा मारता है और अपनी शिकार पकड़ता है, वो जो पंजा है उसका, वो टेढ़ा होने लगता है, तो वो आप कोई चीज पकड़ नहीं पाता उम्र के 40 साल में। और उसके जो पर है जिससे वो आसमान को छूता है, बादलों के ऊपर उड़ता है, वो इतने भारी हो जाते हैं कि आप वो उड़ नहीं पाता। अब उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक ऐसे बदन से आप तो खा नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता, 40 साल की उम्र में आप वो मर जाए। और दूसरा कि 70 साल की उसकी उम्र जीने के लिए वो और संघर्ष करे। 40 साल की उम्र में वो हताश होकर एक बड़ी चट्टान की ओर जाता है, उसके एरिया में सबसे बड़ी चट्टान जो होती है उस पर वो जाकर बैठता है और अपने चोंच को उस पत्थर पे जोर जोर से मारने लगता है, लोहलुहान होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है कि चेंज, अगर उसकी पुरानी चोंच टूट जाएगी तो एक नई आएगी। उसी दौरान वो अपने जो टेढ़े हुए नाखून है उसको जोर जोर से खड़कने लगता है, तोड़ देता है। बहुत पीड़ा होती होगी, बहुत कष्ट होता होगा, लेकिन वो करता है। आखिरकार उसकी चोंच गिर जाती है, उसके जो नाखून है वो टूट जाते हैं। 3-4 महीनों के बाद वो नाखून बड़े होने लगते हैं, उस चोंच भी फिर से आती है। अब वो अपने दोनों नाखून अब चोंच से अपने जो पंखे है उसके, जो उसके पर है जो बहुत भारी हो चुके हैं, उसको करोड़ना चालू करता है और उसे तोड़ देता है। और 6 महीने के बाद वो बांस फिर से एक नया बांस बनकर आगे के 30 साल जीने के लिए फिर से जिंदा होता है। तो ये है वो संघर्ष की कहानी। हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम कहाँ है, उस बास के जैसा हमें बनना होगा। आज नहीं तो कल जो भी आप लोग देखेंगे, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट देखेंगे, वो ऐसे ही नहीं हो गए। आज हम आपके लोग सामने आते हैं, एक ऑफिसर आपके सामने आता है, एक लाल बत्ती की गाड़ी आ जाती है, आपको लगता है यार ऑफिसर हो गया, बट ये उसका सिर्फ 1-3% होता है। 99% जो अभी मुजावर साहब भी कह गए, उसके संघर्ष होता है। और ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आज एक मुसलमान के तौर पर मैं ये बात कह रहा हूँ, दुनिया में मेरी तौर पर ये तो एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इसके कोशिश है, 3 स्टेज होती है, बट मेरी नज़र में अगर दुनिया से सबसे डिफिकल्ट काम कोई हो सकता है तो वो कुरान हाफिज बनना है। और अपने माशरे के जो बच्चे हैं, एक 9 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, उस कुरान शरीफ को बाअल्फाज याद कर सकते हैं, तो वो दुनिया की कोई भी एग्जाम बिल्कुल पास कर सकते हैं। तो बस आपको कोशिश करने की जरूरत है। मुझे याद है कि मैं जब एग्जाम्स देता था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड है, 12th तक का साइंस का स्टूडेंट था, मेरे साथ के सब बच्चे इंजीनियर हो गए, कुछ डॉक्टर हो गए। मैंने आर्ट्स लिया था, मैं आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर लिया, फिर आगे मैंने लॉ भी किया, कई एग्जाम्स दी थी, कुछ हो रही थी, कुछ मैं प्री में पास होता था, कुछ मैं फेल हो जाता था मेंस में। और जब भी मैं फेल हो जाता था, मैं अहमदनगर में मेरे घर पे आता था और घर पे बोल देता था कि अभी घर वालों को, जो मेरा सबसे कॉन्स्टेंट सपोर्ट था, घर वालों को बोलता था कि अब्बा या अम्मी अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं एग्जाम पास नहीं कर सकता, मैं क्या करता हूँ, छोटी मोटी नौकरी कर लेता हूँ, लॉ मेरा हो चुका था, मेरे वालिद साहब लॉयर है, तो मैं प्रैक्टिस चालू कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी बस हो गया, अभी नहीं हो रहा, कितनी बार दिया, अब क्या करना है। तो जो कोशिश वो जिद की बात थी, मुझे याद है कि हमारे से छोटी खानी एक मीटिंग बैठती थी और हमारे जो भाई साहब अभी पीछे बैठे हैं एडवोकेट है, उन्होंने एक बात कही थी मुझसे कि जो वक्त लग रहा था मुझे, मेरे साथ के लोग कार में घूम रहे थे, उनका फ्लैट हो चुका था, इंजीनियर है, इंजीनियरिंग का कैसा होता है कि 4 साल में हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो तो 5 साल में होता ही होता है। कुछ मेरे साथ के मेडिकल बन गए थे, थोड़ा सा इंजीनियरिंग से मेडिकल डिफिकल्ट माना जाता है, मेडिकल MBBS,
तो 5 साल में नहीं, किसी को 6 साल लगते हैं, नहीं 6 या 7 में तो होना ही होना है। पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का ऐसा नहीं होता है। कैसा है, अगर बना तो हीरो या तो जीरो। लाखों बच्चे बैठते हैं, फ्री में शेड्यूल का सफर होता है। तो मैं घर पे आता था, मेरे भाई ने उस बार मुझे एक बात कही थी कि तुझे जो वक्त लग रहा है, तेरे साथ के कुछ तेरे फ्रेंड्स थे, तेरे दोस्त थे, वो एक बस में बैठ के चले गए। उनका सफर छोटा था, उनकी सोच छोटी थी, उनके सपने छोटे थे, तो जल्दी से अपने सफर में एक छोटे गांव को चले गए। कुछ और तेरे साथ दोस्त थे जो एक ट्रेन में बैठे थे, उनका सफर लंबा था, थोड़े उनके सपने थोड़े और बड़े थे बस वालों से, और वो थोड़े और दूर चले गए और बड़े पद पे चले गए। तू जो यहाँ पर रुका है आज, इस जगह पे तू जो मौजूद है और तुझे जो वक्त लग रहा है, तू एक प्लेन के लिए खड़ा है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो प्लेन में तू इतना दूर उड़ जाएगा कि तेरे दोस्त कई दूर पीछे रह जाएंगे और तू आगे निकल जाएगा। तो जब भी वक्त लगता है हमें डरने की जरूरत नहीं होती है। डिसाइड कर लिया एक बार हमने तो कुछ भी चीज आसान है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम देखते हैं अंसार शेख, सबको पता होंगे, एक आईएएस है अभी, वेस्ट बंगाल में उनकी पोस्टिंग है। एक रिक्शा वाले का बच्चा, वो मेरे कॉलेज में था, मैं फर्ग्यूसन कॉलेज से पढ़ा हूँ, वो बच्चा अपने स्कॉलरशिप से फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ा था। एक रिक्शा वाले का बच्चा अगर आईएएस बन सकता है, हमारे नांदेड़ में मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे एक बच्ची अभी डिप्टी कलेक्टर हो गई, उसके घर में सर आपने देखे तो एक छोटी सी झोपड़ी है, उसके माँ बाप को क्या बनी हुई ये भी पता नहीं था। फिर वो बोल लेंगे कि यार एक उससे बहुत बड़ी बन गई हमारी बेटी। वो जब बच्ची बन सकती है, एक रिक्शा वाले का बच्चा बन सकता है, तो आप में बिल्कुल वो काबिलियत है कि आप भी एक ऑफिसर बन सकते हो। बस कोशिश करनी है और दिल में ठान लेना है कि मुझे ये करना है। दुनिया में कोई ताकत आपको तब रोक नहीं सकती है। और एक बात मैं खास तौर पर यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं, हमारे भाई साहब यहाँ पे एजुकेशन ऑफिसर है, वो तो उनकी बात रखेंगे। उनके 3 एग्जाम्स वो पास हो गए थे। पहले वो बैंक के एग्जाम पास हो गए थे, SBI में एज क्लर्क बोल के पास हो गए थे, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में पास हुए, उसके बाद वो कृषि जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गए थे उसमें वो पास हुए, अभी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। यानी डिपार्टमेंट 4-4 बदल लिए उन्होंने और एक भी जगह पर उनको ना वसीला लगा ना कुछ पैसा लगा। उमूमन एक सोच होती है अपनी कि नहीं उधर अपना नहीं होगा, इधर वसीला लग सकता है। हमारा हिंदुस्तान मुल्क इतना अच्छा है दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जो पावर मिली है, इक्वालिटी टू ऑल, हर एक बच्चा चाहे आप कौन से भी धर्म से, कौन से भी जात से, कोई भी वर्ग से, कोई भी तबके से आप बिलोंग करें, आपको इक्वालिटी के तौर पर ही, बस आपके काबिलियत के तौर पर ही आपको मापा जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। फेलियर तो बिल्कुल सबको आते हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप बस कोशिश करते रहिए। इसके सिवा कोई भी एक ऐसी चीज अलग नहीं होती, आपने हिम्मत करनी चाहिए। अभी जो प्रोग्राम है, अभी एक खास करके हमने काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में जो प्रोग्राम लिया था, ये प्रोग्राम एक 3 एग्जाम्स बहुत महत्वपूर्ण है जो आने वाली है हमारे सामने, जो एक इसमें अग्निवीर है जिसका हम आर्मी भर्ती कहते हैं, वो एक एग्जाम है जिसके फॉर्म सभी अवेलेबल है, और एक अपना पुलिस भर्ती होने वाली है, और एक स्टेट सर्विस की तरफ से महाराष्ट्र MPSC जो एग्जाम्स कंडक्ट करने वाली है उसकी भी एक एग्जाम होने वाली है। ऐसे 3-4 एग्जाम्स है जिसकी डेट्स अभी अवेलेबल है। इसी एक रीजन की वजह से हमने जो ये शॉर्ट प्रोग्राम इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पे अरेंज किया, आप सभी लोग उसको आ रहे हैं। तो ये बात है कि फेलियर से आप बिल्कुल मत डरिए। फेलियर ये आते जाते रहते हैं, हर एक इंसान को फेलियर होते हैं। और कहते हैं ना हम बात कि जब भी आपको एक आपको रेस का घोड़ा याद है, तो रेस का घोड़ा क्यों दौड़ता है? रेस का घोड़ा इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसका जो मालिक होता है वो उसको चाबुक लगाते रहता है, उसे पीड़ा देता रहता है। तो दुनिया में आपकी जिंदगी में जब भी आपको ऐसे मुश्किलें आने लगी, आपको फटके पड़ने लगे, तब समझ लेना ऊपर वाला आपको दौड़ना चाहता है और आपको बहुत दूर भेजना चाहता है। तो इसीलिए इस बात पे मैं कहूंगा कि मुश्किल कोई भी नहीं है, बस आपको चलना पड़ेगा। एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बहुत अच्छा शेर है कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। यानी आसपास अपने बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको लुभाएंगी। ये वुड्स आर लवली जो कहता है वो कि वादियां बहुत अच्छी है, आपका जो एज है अभी आपको मोबाइल लुभा सकता है, आपके दोस्त है आपकी वक्त तो देखो कैसा भी निकलने जाना है। सर जो बोले कि वक्त हमारा कहीं ना कहीं तो बीतेगा ही बीतेगा, 12 बजे तक हम सो सकते हैं और 12 बजे तक हम कॉलेज करके घर आ सकते हैं। तो ये चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती रहेंगी, ये हर एक को करती है। 24 घंटे का वक्त है वो सबको मिलता है, ऐसा नहीं है थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब का शोध लगाया उसके लिए उसको 28 घंटे मिले थे, ऐसा नहीं है। सबको 24 घंटे ही मिलते थे, मुझे भी 24 घंटे मिले थे। आप सर को हमने देखा है ना, जेसी मुझे और साहब, उनको कहीं हॉस्पिटल जाना था, कोर्ट में पेशी थी उनकी, बट अपने वक्त में वक्त निकाल के, बस एक यंगस्टर्स का एक गाइडेंस प्रोग्राम था, इस बुनियाद पे वो एक घंटा वक्त में अपने से वक्त निकाल के आए।
तो ये जाते ना वुड्स आर लवली डार्क एंडी, आपको ऐसी चीजें आएंगी जो आपको गुमराह करती रहेंगी, आपके दोस्तों को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपके कुछ आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी नींद को थोड़ी देर के लिए, ये लंबा प्रोसेस नहीं है, एक साल दो साल तीन साल, बट आगे की जिंदगी को आप देखिए। जब मैं ऑफिसर के तौर पर जाता हूँ तो ये चीज आप देख सकते हो कि आप एक आईएएस की तरफ जाइए, कभी कलेक्टर की गाड़ी देखिए, आप उसको बस दूर से देखते रह सकते हैं, उसके पास नहीं जा सकते, उनको फैसिलिटीज देखिए क्या क्या मिलती है, गवर्नमेंट के क्वार्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट के फ्री ट्रिप्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात जो आपका गुरूर जो आपका फखर होता है, एक एक हम सब स्टूडेंट है, सबसे बड़ा दिन क्या होता है जिंदगी में एक बच्चे के लिए, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मैं दिन कहूंगा कि वो था जब मेरे वजह से जो मेरे सत्कार सेलिब्रेशन तो बहुत हो गए थे, मेरे होर्डिंग्स लगे थे, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा लेक्चर्स के लिए मुझे बुलाया गया था, बट एक प्रोग्राम ऐसा था कि अहमदनगर के सी अपना जो सिटी लॉन का जो फंक्शन हॉल है वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, और उस प्रोग्राम में मेरी वजह से मेरे वालिदैन को, मेरी अम्मी को और मेरे अब्बा को सबके सामने एक सत्कार करके ऊपर खड़ा किया गया था। उस दिन मुझे लगा था कि अपने पोस्ट का ये फायदा, यानी उस दिन लाइफ का मेरा सबसे बड़ा दिन था। मेरी कविता आखिरी में खत्म करूंगा, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू ग्रो बिफोर आई स्लीप, मुझे लड़ना है, मुझे चलना है और बहुत दूर तक जाना है, मुझे इस जगह पे नहीं ठहरना, एंड माइल्स टू ग्रो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू ग्रो बिफोर आई स्लीप। सो कोशिश करते रहिए, हमारे नंबर आपके पास अवेलेबल होंगे, आपको जब भी कुछ प्रॉब्लम होंगे, एक सेशन भी हम रखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर का 10-15 मिनट का, उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जस्ट ड्रीम एंड द वर्ल्ड इज विद यू। थैंक यू।